बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम पंजाबी फूडीज। हम आज नवंबर की 2 तारीख है और सर्दियों के मौसम के लिहाज से हम आपको आज बनानी सिखाएंगे कश्मीरी टी। ये जो मैंने हैड पहना हुआ है ये मेरे बेटे ने मुझे लेके दिया था, इस पर लिखा हुआ है क्वेश्चन डैड्स कुकिंग, और ये मेरे छोटे बेटे ने मुझे स्टिकर दिया है कि डैड यू आर द बेस्ट शेफ। आई डोंट नो कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है कि नहीं। आप प्लीज़ हमारे लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और उसके साथ कमेंट भी कीजिए। तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ ग्रीन टी की रेसिपी, बहुत ईजी है बनानी, जैसे कि बाज़ारों में बनती है, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पंजाबी फूडीज़, ये मेरा छोटा सा स्टूडियो है जो कि मैंने खुद ही घर पे बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास सबसे पहले है, ये मेरे पास स्टैंड है जिसके साथ मैं, सॉरी बहुत पीछे मैस है काफ़ी, ये स्टैंड है जिसके साथ मैं फूल को ऊपर लगा के तो इसके साथ रिकॉर्डिंग करता हूँ। एक मेरे पास LED बल्ब ये है और दूसरी मेरे पास ये रिंग लाइट है। रिंग लाइट को मैंने ऊपर फंसा के रखा हुआ है अपने हुड के पास, और इसके अंदर मैंने एक अदद अपना आईफोन लगाया है, इसकी लाइट काफ़ी हेल्प करती है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम आपके साथ बनाएंगे सब्ज़ चाय, जिसको हम कश्मीरी चाय भी बोलते हैं, ग्रीन टी भी बोलते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं कि मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे मेन इन्ग्रीडियंट इसमें है चाय की पत्ती, ये हमारे पास 2 चाय के चम्मच हैं भरे हुए, और इसके साथ ही हमारे पास 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 अदद हमारे पास एनी सीड्स हैं, बादियान खताई जिसको बोलते हैं। 1/4 टीस्पून हमारे पास सौंफ है, तकरीबन 4 हमारे पास टीस्पून शुगर के हैं। अगर आपने शुगर नहीं डालनी तो आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं, मेरे बच्चे क्योंकि शुगर लाइक करते हैं इसलिए हम इसमें शुगर डालते हैं। और हमारे पास 6-7 अदद ग्रीन इलायचियाँ हैं हमारे पास 6-7 अदद, वो हम इसमें डालेंगे। 2 चुटकी हमारे पास मीठा सोडा है और 3 अदद हमारे पास चाय के चम्मच सूखे दूध के हैं, और गार्निश के लिए हमारे पास आलमंड है जिसको हम अभी चॉप करके और इसके ऊपर गार्निश के साथ डालेंगे। दूध जो है इसमें ऊपर बलाई बनाएगा इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसमें दूसरा दूध भी जाएगा, और हमारे पास उसके साथ साथ तकरीबन 1 लीटर पानी है। इसको हम पानी को जब ये खुश्क होगा उसमें और ठंडा पानी डाल के और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे, फेंट के तो हम इसको चाय का कलर निकालेंगे उसके साथ। अभी आप देखें कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अब हमारे साथ रहिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अच्छे से भी चूल्हे को ऑन किया है, चूल्हे को ऑन करके सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मेरे पास तकरीबन है 1 लीटर, 1 लीटर पानी हमने इसमें डाल के, 1 लीटर हमने इसमें पानी डाल के, और इसमें साथ ही हम डालेंगे चाय की पत्ती। ये हमारे पास चाय की पत्ती है ग्रीन टी, जो कि 2 टीस्पून है, हम इसमें डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सौंफ। सौंफ डालने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बादियान खताई, दालचीनी, ग्रीन कार्डिमम्स, ये हम डालेंगे खुशबू के लिए। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे, जब ये बॉयल हो जाती है फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी तकरीबन हमने इसको 3 मिनट के लिए रखा है, 3 मिनट के बाद अभी इसमें उबाला आ गया, उबाला आते ही हम इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर जो है वो डालेंगे, मीठा सोडा इसमें डालते हैं। देखें डालते ही उसमें अभी ये मीठा सोडा जो है इसके अंदर, थोड़ा इसको चलाएंगे तो मीठे सोडे ने अभी जो पत्ते हैं उसको फुलाना है और उसके साथ इसका जो रंग है वो निकलेगा। अभी इसको अच्छी तरह पकने दें, अभी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप के बाद। जी अभी इसको उबाला आ गया है, हमने इसमें अभी मीठा सोडा डाल दिया है, मीठा सोडा डालते ही अभी देखेंगे आपके पत्ते जो हैं वो फूलने शुरू हो गए हैं। आपको दिखाता हूँ ये स्पेक्चर के साथ, ये देखें पत्ते जो हैं इसके खुलने शुरू हो गए हैं,
इसको इस तरह जैसे खुलेंगे फिर ये रंग छोड़ेगा। जैसे भी थोड़ा सा इसका पानी ड्राई होगा इसमें हम फिर ठंडा पानी डाल के और इसको अच्छी तरह फिर हम फेंटेंगे। चाय हमारी जो अभी तकरीबन इसको 3-4 बॉयल आ गए हैं, अभी हम इसमें ठंडा पानी डाल के और इसको फिर हम फेंटेंगे। ये हम ठंडा पानी इसमें डालेंगे तकरीबन 250 ml, 250 ml डाल के। तो मैंने अभी इसके साथ थोड़ा फेंटेंगे इसको इसके साथ। जैसे ही हमने इसमें ठंडा पानी डाला है तो कहवे ने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी बाकी जो है हम इसको इसके साथ फेंटने के साथ, अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप कप के साथ इसको अच्छी तरह फेंट सकते हैं। जैसे ही मैंने गर्म पानी में ठंडा पानी डाला है आप देखेंगे कि कलर उसका चाय का आना शुरू हो गया। इसको थोड़ी देर हम फेंटेंगे। ये टूल मैंने लिया था मार्क्स एंड स्पेंसर से, लंदन में ब्रेंट क्रॉस शॉपिंग सेंटर से लिया था। तकरीबन ये 5 pounds का आता है ये टूल। तो इसके साथ कभी भी कोई चीज़ आपने लस्सी बनानी हो या कहीं किसी चीज़ को फेंटना हो तो उसके लिए ये ज़बरदस्त टूल है। इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्प्रिंग की मदद से ये हम इसको ऊपर नीचे की तरफ घुमाते हैं और इसके साथ ये देखें आप। अभी हम इसमें जो आधा पानी और था वो शामिल करते हैं। हमारे पास अभी टोटल पानी हो गया है तकरीबन 1.5 liters। 1.5 liters को हमने 1 liter के ऊपर लेकर आना है, इसको खुश करना है, साथ साथ हमने इसको फेंटना है। फेंटेंगे तो इसके अंदर से कलर निकलेगा। अभी तकरीबन हमारे 15 minutes हो गए हैं हम इसको पकाते हुए। पानी इसका अभी तकरीबन 1 liter रह गया 1.5 से। अभी इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 चुटकी रेड फूड कलर की। अगर आपके पास पिंक है तो आप पिंक भी डाल सकते हैं, पर रेड भी जो है ना वो उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी हम इसको थोड़ा सा और फेंटेंगे। बहुत एहतियात के साथ, बहुत गर्म होता है कहवा, कहीं आपके हाथ के ऊपर ना लग जाए। ये रेसिपी मैंने एक बावर्ची से ली थी पाकिस्तान में, जो कि एक शादी में आए थे बनाने के लिए चाय, तो उन्होंने मुझे दी थी। कहते हैं हम इसी तरीके से बनाते हैं चाय, आप भी बनाइएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जी कहवा हमारा बन गया तकरीबन। अभी हम दूसरे पॉट के अंदर दूध डाल के तो हम चाय की तैयारी की तरफ चलते हैं। दूध इसमें हम डालेंगे तकरीबन, मैंने 2 cups बनानी है इसमें। हम तकरीबन 2 cups में हमने तकरीबन 1.5 cups इसमें दूध डाल दिया। अभी हम इसको अच्छी तरह उबालेंगे और हम फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दूध को हमारे उबाला आ गया, अभी हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क दूध जो मैंने आपको बताया था। ये क्या करेगा, इसके अंदर इसकी बलाई बनाएगा, क्रीम बनाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर इसका जो टेस्ट है उसको रिच करेगा। अभी आपने दूध डाल दिया इसके अंदर, सूखा दूध डाल दिया है, और इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए ऐसे चम्मच चला देना इसके अंदर और ये देखें खुद ही इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मलाई आएगी। उधर हमारा पानी भी जो है वो भी रेडी हो रहा है। दूध को हमारे उबाला आ गया, अभी हम इसके अंदर
जो कहवा है वो तकरीबन आधा कप डालेंगे इसके अंदर। आधा कप में इसमें कहवा डाल दिया है और अभी देखें हम इसको आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी आधा कप हमने इसमें के अंदर कहवा डाल दिया और आप देखें खुद ही कि इसका रंग कितना ज़बरदस्त निकला है। और अभी इसके ऊपर थोड़ी जैसे ही बलाई आएगी थोड़ा इसके अंदर मिक्स होगा कलर, उसके अंदर फिर हम आपको चीनी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप नमक डाल सकते हैं जैसे आप लाइक करें। शादियों में नमक भी पड़ा होता है साथ और चीनी भी पड़ी होती है, आप जो मर्ज़ी इसके ऊपर डाल के तो उसको आप पी सकते हैं। मैं इसमें चीनी डाल के पीता हूँ। Please don't forget to subscribe, like, and comment on our latest videos.